ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम वंदातीतम त्रिगुणरहितम तस्यमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीहुतम भावातीतम गगन सदृशम सद्गुरुं तम नमामिहि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 13वें अध्याय का 26वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से चराचर प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बताया। यावत संजायते किंचिन सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात द्विधि भरतर सर्वः भरतर शभः। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात ततः विद्धि भरत सर्वः भरतर शभः। हे अर्जुन भरतर शभः यावत यानी यावन मात्र किंचिद जरा भी कोई कम नहीं बाकी सभी सब कोई स्थावर जंगम चल और अचल जीव जंतु सत्व सत्वम यानी प्राणी संजायते यानी उत्पन्न होते हैं ततः उस सबको तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही विद्धि यानी ज्ञान जितने भी प्राणी अर्जुन यावत मात्र जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग वाली बात है ये भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो कि अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार है अधिष्ठान है वो भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि का रहस्य समझा रहे हैं अर्जुन। जैसे आप जानते हैं कि आपके होने से ही सपने आपको आते हैं आपके होने से ही आपको विचार आते हैं आपको होने से आपको भूख लगती है आपके होने से आप अच्छे बुरे का भेद कर सकते हैं आपके होने से ही आप संसार व्यवहार को करते हैं। ऐसे ही यहां पर क्षेत्र तो है निर्जीव क्योंकि उसमें कोई आत्मा या चेतना तो है नहीं। क्षेत्र तो ऐसा है जैसे कोई पत्थर हो पहाड़ हो नदी हो तालाब हो कण हो वायु हो ये क्षेत्र है। प्रकृति में जितना कुछ है वो क्षेत्र है। भगवान ने 24 में बता दी 25 में बता दी आपको 25वें अध्याय में इसमें श्लोक में। लेकिन ये तो जड़ है तो ये चेतन कैसे हो गया गाय बन गया कुत्ता बन गया बिल्ली बन गया सर्प बन गया पक्षी बन गया मनुष्य बन गया कैसे हो गया ये कैसे हो गया। भगवान कहते हैं कि यावत संजायते
जितना कुछ भी संजय यानी उत्पन्न हुआ है, किंचित जरा सा भी सत्वम, जरा सा कहीं सत्व नजर आता है, यहां सत्व नाम जीवन से लेना, क्योंकि सत्वम जो परमात्मा है वही सत्य है और वो उसमें है जो जीवित है। तो इस यदा जितना भी प्राणी मात्र है, स्थावर हो या जंगम हो, और इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो बनना हुआ है, इसका जो उद्गम हुआ है, इसका जो ओरिजिन हुआ है, वो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से हुआ है। कैसे? भगवान स्वयं करें कि तू इससे जान के ऐसे हुआ है कि जैसे पानी होता है और पानी में बुलबुला होता है। तो पानी में बुलबुला कैसे होता है? हवा पानी की पतली सी परत के द्वारा, फिल्म के द्वारा रोक ली जाती है। ऐसे ही वो हवा और उस पानी का कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। वो हवा उस पानी में नहीं घुसी है, वो पानी उस हवा में नहीं घुसा है, लेकिन वो रुक गई है। ऐसे ही परमात्मा शरीरों में नहीं घुसा है, शरीरों से नहीं टचे, और शरीर भी परमात्मा से नहीं टचे। न तो शरीर ने परमात्मा को छुआ है, न परमात्मा ने शरीर को छुआ है, लेकिन वो उस बुलबुले के समान दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। क्योंकि क्षेत्र का क्षेत्र से जब तक संबंध ना होगा, तब तक जीवन ना होगा। यदि पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर, अगर उसमें से क्षेत्रज्ञ का संयोग हटा दिया जाए, तो ये मिट्टी के ढेले के समान जमीन में गिर जाएगा, इसको कोई उठा, ये खुद उठ नहीं सकता। इसलिए ये जो तीनों शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, जब हम शरीर बोलते हैं तो तीनों से लेना, तीनों को लेना। और क्षेत्रज्ञ क्या है? वो परमात्मा चेतनी आत्म स्वरूप है, जैसे 25वें श्लोक में बताया। तो जो क्षेत्रज्ञ है उसका क्षेत्र से संयोग होता नहीं है, कभी नहीं होता, हो नहीं सकता, परंतु एक भ्रांति जैसे बुलबुले के रूप में होती है। ऐसे ही ये जो भयानक भ्रांति है, जो असत्य होते भी सत्य प्रतीत हो रही है, इसकी इतनी गहरी प्रतीति है कि संसार को बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, अरबपति, खरबपति, व्यापारी, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, राजनेता और परमाणु बम बनाने वाले सेनापति सिकंदर जैसे महारथी, बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके नाम के डंके चल रहे, पिट रहे थे और पिट रहे हैं, ऐसे लोग भी अंतिम श्वास तक इस भ्रांति से छूट नहीं पाते। अंतिम श्वास तक वो अपने को शरीर और शरीर ही को ही मैं और मेरा समझते हैं। उनको शरीर में रहने की भ्रांति इतनी ज्यादा सत्य प्रतीत होती है कि उनको परमात्मा का ज्ञान मिथ्या, काल्पनिक और गपोड़ेबाजी लगता है, इतनी ज्यादा गहरी भ्रांति है। जैसे गीत में हमने गाया था, लिखा था पैरोडी में, कि सत्य ऐसा है जिसको कोई ना जाने, माया में उलझे हुए लोग न माने, गाऊंगा जीवन भर ये गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए ऋषि मुनियों के लिए, ढूंढ लाया हूं बगी सत्य में तेरे लिए। तो इसको, इस सत्य को जानने की बात तो छोड़ो,
इसको मानते तक नहीं है, आत्मा की मौजूदगी है कि नहीं इसको भी नहीं मानते। उनका तो ऐसा है जैसे सुदीक्षण का चार्वाक का सूत्र है कि यावत जीवनम चैव ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत पुनर्जन्म कुता। यदि जीवन चाहते हो, मस्त जीवन चाहते हो, तो कर्ज करो और खूब मिठाई खाओ और खूब घी पियो, क्योंकि अगला जन्म तो होना ही नहीं है। और वो कहते हैं ना कि कोड़ में खाज हो गई। तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है और समस्त सुविधा देते हैं मनुष्य को, कितनी भी शादी कर लो, कोई किसी का भी जो है कुछ भी भोजन कर लो। अभी एक श्रीमान जी ने जो है कहा, मैं विषय से नहीं भटक रहा हूं, बात सही कह रहा हूं, एक महाराज ने उन्होंने कहा, श्रीमान जी ने बड़े माने हुए हैं इस देश में, बड़े अभिनेता हैं, बोले मांस खाने को धर्म से मत जोड़ो। अरे भैया, अगर मांस खाने को धर्म से नहीं जोड़ा जाए तो फिर धर्म बचेगा कहां? क्यों, मांसाहारी हिंसक होता है, और दुनिया का कोई भी धर्म नहीं कहता कि तुम हिंसा करो, अगर वो धर्म है तो उन धर्मों ने इतनी सुविधा दे दी, चाहे कुछ भी करो, व्यभिचार करो, मांस खाओ, सिगरेट पियो, शराब पियो, तो भी तुम धार्मिक ही हो, इतनी सुविधा दे दी। और एक संत हो गए, उनने तो ये कह दिया कि चलो रेचन करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, रेचन हो रहा है। अरे भैया, ऐसे 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 धर्म नहीं होगा, ऐसे आध्यात्मिक आपकी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि धर्म बहुत बारीक विषय है, बड़ा करुणा का विषय है, बड़ा प्रेम का विषय है। आप मांस खा के कैसे ध्यान कर सकते हो? आप मांस खा रहे हो तो आपके अंदर वो मांस जाएगा, तमोगुणी भोजन जाएगा, तो वो तमोगुणी तो तमोगुणी पैदा करेगा ना। आम की गुठली बोगे तो आम ही पैदा होगे, बमूल की बोगे बमूल ही पैदा होगी। इसलिए धर्म में, सनातन धर्म में आचरण और खान पान का बड़ा महत्व दिया गया है। तो ये यहां पर इस भ्रांति को तोड़ पाना हर किसी के बस की बात इसलिए नहीं है कि ये भ्रांति तुम्हारे संसार के बड़े बड़े लोग नहीं तोड़ पाए, बड़े बड़े लोग नहीं तोड़ पाए इसको। प्रोटीन चाहिए तो अपने शिष्यों को अंडा खिलाने लग गए कि भाई शरीर में प्रोटीन की जरूरत है, अंडा खिलाने लग गए। क्यों, दाल में प्रोटीन नहीं आती? दाल में प्रोटीन नहीं होती है क्या? नहीं, उन्होंने तो साफ डिक्लेयर ही कर दिया कि प्रोटीन अंडे में ही मिलेगी, तो खा लो, बोले दाल में वो प्रोटीन नहीं होती है। मैं आपसे दावे से कहता हूं कि भोजन बदलना ज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप मांसाहार करेंगे, आपके अंदर वो पैनापन, वो सूक्ष्म बुद्धि नहीं आएगी जिसकी की चर्चा भगवान ने 24वें श्लोक में और 25वें श्लोक में की है। उन्होंने ये कह दिया कि जो सूक्ष्म बुद्धि वाले ना हो तो फिर वो श्रवण करें, श्रावक बने। जो सूक्ष्म बुद्धि वाला नहीं है वो तो ध्यान कर नहीं सकता, और जो सूक्ष्म बुद्धि वाला नहीं है वो जो हाँ एक मिनट भैया ले रहा हूं, सूक्ष्म बुद्धि वाला नहीं है तो जो सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है, मैं प्रवचन दे रहा हूँ बेटा, शिवम वहां प्रवचन चल रहा है बेटा, नहीं, जो सूक्ष्म बुद्धि वाला नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकता।
तो सूक्ष्म बुद्धि वाला आदमी जो ध्यान नहीं कर सकता, तो वो मांस खाएगा तो सूक्ष्म बुद्धि हो नहीं सकती उसकी, क्योंकि वो जड़ बुद्धि हो जाएगा। अच्छा, फिर जो सूक्ष्म बुद्धि वाला और ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो सांख्य का सहारा ले सकता है, और सूक्ष्म बुद्धि है नहीं है तो तुम अंदर से देखो कि क्या वो ये जड़ता तो तुम्हें ऐसा बना देती है। कोई एक व्यक्ति नींद का इंजेक्शन लिए पड़ा हो उसके पास में से कोई गुजर जाए उसको पता नहीं होगा। इसलिए इस ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को बड़े बड़े लोग इसलिए नहीं जान पाते हैं कि वो शरीर को ही मैं और मेरा मानते हैं, और तीनों शरीर के इस क्षेत्र में उस चैतन्य का जो संयोग कभी हुआ ही नहीं है, उस चैतन्य को जानने के प्रयास तो छोड़ो, जानने में विश्वास भी नहीं करते। वो तो कहते हैं तो गपोड़ाबाजी है, कहाँ यार बेवकूफ बना रहे हो, मस्त रहना है अपने को, तो जिंदगी एक ही बार मिली है, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, जो मौज मस्ती करना हो कर लो। इसलिए इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है उसका मिथ्यापना केवल सदगुरु ही आपको जना सकते हैं, ज्ञात करा सकते हैं, क्योंकि जिसने इसको जाना है और इस जगत में जितने भी स्थावर और जंगम और त्रियक और जितने अंडज पिंडज श्वेतज उद्वज जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियों में जो संसार में भरे पड़े हैं, उनमें मानव मात्र ही एक ऐसा शरीर है जो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग की भ्रांति को तोड़ने का और इसके मिथ्यापने को जानने का एकमात्र अवसर है, समझे। अगर यह किसी भी व्यक्ति की पिपासा चूक गई तो बस मान के चलो कि ये धन पद वासना वस्तुएं इंद्रिय के सुख मन के भटकाव, क्योंकि अंतःकरण तो जीव को बहुत होशियारी से संसार में जीवन भर भटकाता रहता है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेता है और फिर उसको बांध देता है, और यदि वो उपद्रव ज्यादा करे तो मुंह पर पट्टी लगा देता है, और ज्यादा उपद्रव करे तो नींद का इंजेक्शन ठोकवा देता है। ऐसे ये संसार में माया ऐसे करती है कि ये या तो पहले आपको संसार के बंधनों में किसी के प्रेम में इसमें उसमें बांध लेती है, और अगर आप इस बंधन से किसी भी तरह से टूटने की कोशिश करते हो तो कहती ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर आपको मोनी बाबा भी बना देती है, तो ये कभी आपको खड़े सरी तो आड़े सरी, और कभी इससे भी आप निकल गए अच्छे से निकल गए तो फिर क्या करती है ये कि आपको अच्छे अच्छे कामों में लगा देती है, परोपकार में किसी संस्था में न सेवा में न किसी में लगा देती है। तो जो सब में डूबा हुआ बेहोश व्यक्ति वो जागने वाले की आवाज नहीं सुन सकता, सदगुरु की आवाज नहीं सुन सकता। तो सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु देखते हैं कि ये आदमी जाग सकता है, उसके कंधे पकड़ पकड़ के झकझोरते हैं, उसको छींटे मारते हैं, और अनेक तरह से जो भी बनता है वैसा प्रयास करते हैं, उसके योग्य उपाय करते हैं। इसलिए अर्जुन तू इस भ्रांति से निकल जा, और संसारियों की तरह तू इस अवसर को मत खो, वरना पछताने का अवसर भी नहीं बचेगा। क्यों कि स्थावर जंगम योनियों में जो अलग अलग तरह की भूल भुलैया हैं उसमें इतनी ज्यादा इंद्रिय हावी होती हैं, मन बुद्धि इंद्रियों के इतने तरह तरह के अत्यंतिक जड़ता उसमें होती है कि उसमें पर्याप्त चेतना नहीं बचती और परमात्मा को जानने की कोई अभिप्सा भी नहीं बचती उन इंद्रियों में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझा रहे कि अर्जुन एक बात तो ये समझ ले कि संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, स्थावर जंगम किंचित मात्र भी, सबके अंदर इस क्षेत्रज्ञ अर्थात मेरा संयोग है, और मेरे होने मात्र के कारण ही
ये लोग जो है ना जीवित प्रतीत होते हैं, जिससे सूरज की रोशनी किसी दर्पण में पड़ती है तो ही वो चमकता है। सूरज को हटा लो तो दर्पण, रात में हजारों दर्पण बिछाया अंधेरे में वो नहीं चमकेंगे। इसी तरह से परमात्मा के होने से यद्यपि वो निसंग है, जैसे मैंने बुलबुले का बताया कि बुलबुले की पानी की फिल्म बुलबुले की अंदर की हवा से कोई संबंध नहीं रखती, कोई संबंध नहीं रखती। जरा सा बुलबुला फूटा तो हवा हवा में मिल जाती, पानी पानी में मिल जाता, वो संयोग खत्म हो जाता। संयोग खत्म होने से उसको बुलबुला आप कह ही नहीं सकते। बुलबुला फूट गया तो बुलबुला किसको कहो गया? ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संयोग जब तक है तब तक ही वो जीव है। और इस चीज को अच्छी तरह से जो समझ गया तो वो इस बात को समझ गया कि क्षेत्र तो पदार्थ है और क्षेत्रज्ञ हूं मैं। कबीर साहब ने इसको कितनी प्यारी सी बात कही कि पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही चुप जाएगा जो तारा प्रभात। लोगों ने इसके शब्द पकड़ लिए। इसके पीछे कबीर साहब क्या कहना चाहते थे वो ये श्लोक में गीता कह रही है, वही कबीर साहब कहना चाहते थे। कबीर साहब ये कहना चाहते थे कि ये पानी का बुलबुला जैसा होता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, ऐसे मनुष्य का जीवन है। और देखते देखते ही ये जीवन निकल जाता है, जैसे सुबह होने पर, सूरज के उदय होने पर तारे छिप जाते हैं। तारे तो वही है, अगर किसी गहरे कुएं में आप जाके देखो तो आपको तारे नजर आ जाएंगे। गहरे कुएं बिल्कुल नीचे तलहटी में बैठ के आप आकाश की तरफ देखो तो आपको तारे दिख जाएंगे। इसको कहते हैं दिन में तारे दिखना। इसलिए इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग आपके अंदर हुआ है, और संयोग है तो ही आप इसको जान लोगे। विद्धि यानी जान भरतर्षभा, हे भारत में वर्ष में श्रेष्ठ अर्जुन, तू इसको जान ले कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। और जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं रहा तो कैसे जानोगे? क्योंकि तुम क्षेत्रज्ञ, वो वाली बात हो जाएगी कि एक अंधा और एक लंगड़ा और दोनों जन मेला देखने गए, तो लंगड़ा जो है चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया। ऐसे ही ये क्षेत्र तो है लंगड़ा क्योंकि ये चल नहीं सकता, और क्षेत्रज्ञ है जीव दशा के होने के कारण अंधा क्योंकि जीव दशा में है, वो परमात्मा को जानता नहीं। लेकिन जब दोनों का संयोग होता है तो दोनों चलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन चलता कोई नहीं। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो आपको लगता है जैसे पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन पेड़ कहाँ भाग रहे हैं? पेड़ तो अपनी जगह पे खड़े हैं, ट्रेन भाग रही है। ऐसे वो चैतन्य के होने से, उस क्षेत्र के होने से ये जड़ भागता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए एक और इसका अर्थ ले लो कि सदगुरु हैं यहां पर लंगड़े, क्योंकि उन पे कोई व्यवस्था नहीं, वो संसार में उन्होंने उतना समय नहीं लगाया, तो संसार की जो संपत्ति है, संपन्नता है, संसार के जो साधन है, उतने सदगुरु के पास कोई है नहीं। सच्चे सदगुरु की बात कर रहा हूं मैं, ढोंगी ढांगियों की बात नहीं कर रहा हूं। ढोंगी ढांगियों के पास तो 10-20 हजार करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे सदगुरु के पास तो कोई ज्यादा साधन है नहीं। तो वो तो हुए लंगड़े और तुम जिज्ञासु हुए अंधे। अगर परमात्मा का मेला देखने तुमको जाना है तो तुमको सदगुरु, चूंकि वो आंख वाले हैं, उनको तुम्हें अपने हृदय में बिठालना ही होगा, अन्यथा आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इस श्लोक का इतना ही अर्थ करेंगे। भगवान सदगुरु की कृपा से आप अगर ध्यान करेंगे तो मैं जो है बाहर का सदगुरु हूं, आपके अंदर के सदगुरु को यानी आपके अंदर मौजूद उस आत्मा को आपको जन्मा दूंगा, जिस आत्मा के बारे में भगवान ने 23वें 22वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, यही आत्मा परमात्मा है और यह सत और असत दोनों से भिन्न है।
शिवो शिवो।